जैसे रमजान ईद बकरीद हुई है, आपके निर्देश का सबने जो है तो पालन किया, आदेश का, इस बार कैसे रहेगा सबने? अभी हमारे सामने गणपति का त्योहार आने वाला है, इसके साथ ही इमीडिएटली मुहर्रम का पर्व आने वाला है और इसके बारे में सरकार के गाइडलाइंस जुलाई महीने में ही निकल गए थे। मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा इसमें किसी भी तरीके की विरोध हम अलाउ नहीं कर रहे हैं और बाकी और भी जो छोटी छोटी बातें हैं उसके बारे में डिटेल्स में हमारी चर्चा हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे शहर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कोरोना के मद्देनजर आप सबका सहयोग हमें मिलेगा। धन्यवाद सर। मिरोनिक तो नहीं निकलेंगे लेकिन जो सवारियां जो बैठते हैं सर उसके लिए अलाउड रहेंगे? नहीं, हम बता देंगे। मुहर्रम को लेकर क्या डिसीजन निकला है सर? ये मुहर्रम के अंदर डिसीजन यह हुआ कि शिया सुन्नी दोनों भाइयों की मीटिंग ली गई थी कि आपके गवर्नमेंट के गाइडलाइंस ऐसे ही कि कोई मजमा ना हो, कोई जुलूस ना हो, कोई रोड पे ना निकले, तो इस वजह से ये बताया गया है कि भाई सवारी अगर बिठाए भी तो अंदर बिठाना चाहिए क्योंकि गणपति 3 फीट के ऊपर नहीं होना बल्कि ऐसे गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो गणपति का भी नहीं है और सवारियों का भी। अब क्या हालात ये बोले गए कि इसमें कम अज कम हालात देख करके बीमारी अब क्या आ गई है, मुख्यमंत्री का ऐलान भी आया हो सकता करो ये लॉकडाउन और बढ़ा सके क्योंकि 97,000 बच्चे भी जो तो आपके बीमार हो गए थे स्कूल के बच्चे, तो सब चीजों को देखते हुए तो पाबंदी लगाई गई कि भाई आपके मजमा ना करे, जुलूस ना करे, जैसा जिनसी में होता है बड़े चांस आप दूल्हा पे झूले वूले लगते, कोई झूले नहीं लगेंगे, अलावे नहीं कूदे जाएंगे और कोई सवारी नहीं, मन्नत भी अगर आई तो वहीं का वहीं मन्नत लेकर के लोग भीड़ नहीं करना चाहिए ऐसे, और रोड के ऊपर सवारी नहीं बैठेंगे आपके भाई कोई भी है तो अपने घरों में या रोड पे क्योंकि कई जगह इजाजत नहीं दे रहे हैं रोड पे करने के लिए। तो गाइडलाइन से सीपी साहब ने बोली है कि भाई गवर्नमेंट के ऑर्डर ये है कि महाराष्ट्र में कहीं भी या इंडिया में कहीं भी जुलूस ना निकाले जाए, मातम के अस्तित्व बताए कि भाई उनका भी जुलूस नहीं, मातम का नहीं, अगर कभी वो घर में मातम कर रहे तो उन्होंने अब तेदा देने वाले 10 देते 15 देते 20 तो उसमें भी जो तो बूढ़े उड़े ना आए, बच्चे ना आए, ये ना आए, सवारों के पास का भी उनका कहना था कि बूढ़े लोग ना आए, बच्चे लोग ना आए, बीमार लोग ना आए जिससे कि बीमारी होने का डर है और सब जने मास्क लगा के रखे और डिस्टेंस दूर रखे, ऐसा ये रहा है। मामू एक आखिरी सवाल, इतना साथ नहीं शिया कम्युनिटी हम मिलके रहते हैं ना, मेरे को अब 46 साल हो गए इसके सदर बने, 46 ईयर, तो उसमें शिया मेरे साथ ही रहते हैं जो बोले सुनते भी हैं बेचारे, हम जो मिलजुल के करते हैं, इंडिया में पहले टाइम है कि जो औरंगाबाद शहर में हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। ओके, शुक्रिया।